बिहार दौरे पर झंझारपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मन में आखिर नीतीश कुमार के लिए क्या है? कहीं अंदर ही अंदर मोदी और शाह की बड़ी प्लानिंग तो नहीं हो रही है? ऐसी कई बातें सियासी गलियारे में तैर रही है, क्योंकि अमित शाह ने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म है। शाह के बयान से अटकलें तेज हो गई कि क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर सकते हैं। शाह ने नीतीश कुमार को सलाह दी कि नीतीश बाबू, पानी और तेल का मिलन नहीं हो सकता, तेल पानी को भी खराब कर देता है। शाह का ये बयान कहीं न कहीं बड़ा संकेत तो नहीं? शाह ने ये तक कह दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है। आखिर अमित शाह ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? शाह ने नीतीश को आगाह कर दिया है कि आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है। ऐसे में कहीं न कहीं शाह नीतीश कुमार के मनोबल को गिराना चाहते हैं। वो इशारों में ही कहना चाहते हैं कि जब आप बीजेपी की सरकार में थे तब आप ड्राइविंग सीट पर थे, लेकिन अब आप बैक सीट पर आ गए हैं। लालू यादव तो अपने बेटे तेजस्वी को आगे बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन नीतीश का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। अमित शाह नीतीश को बैकफुट पर लाना चाहते हैं। बीजेपी को इस बात का शायद अंदाजा है कि नीतीश के रहने से उनकी पार्टी कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस बात को आंकड़ों ने कई बार साबित भी किया है। गृह मंत्री मिथिलांचल की 5 लोकसभा सीटें झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और मधेपुरा को साधने की कोशिश में है। इसके साथ ही इसका असर यहाँ के 30 विधानसभा सीटों पर भी पड़ेगा। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब एनडीए ने यहां से विपक्ष का सफाया कर दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यहां की 30 विधानसभा सीटों में से 25 पर एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। इनमें 11 सीटों पर बीजेपी और 14 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी। यहां बीजेपी अब पूरी तरह कमजोर पड़ती नजर आ रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया यहां भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल लोकसभा की 5 सीटों में 3 पर जेडीयू का कब्जा है। वहीं विधानसभा की 30 सीटों में 19 महागठबंधन के पास है, इनमें 14 जेडीयू के पास और 5 आरजेडी के पास है। अब बीजेपी यहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में जुट गई है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो मिथिलांचल के इलाकों में एनडीए का एक छत्र राज था, लेकिन नीतीश के अलग होने के बाद यहां का पूरा समीकरण बिगड़ गया है। अमित शाह को पता है कि झंझारपुर और आसपास के इलाके में मिश्रा और झा सरनेम वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। स्वर्ण को साथ लेने का मतलब है पूरी तरह महागठबंधन को टक्कर देना। पार्टी बिहार में ये साफ संदेश देना चाहती है कि अति पिछड़ा और दलितों के अलावा वो स्वर्ण का भी ख्याल कर रही है। अमित शाह ने अपने संबोधन में राजा जनक और सीता की चर्चा की। उन्होंने लोगों की भावनाओं को सनातन से जोड़ा। उन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उन्हें बड़ा मौका दे दिया है लोगों के बीच सनातन और धर्म की बात करने का। बीजेपी की नजर मिथिलांचल की 5 लोकसभा सीटों पर बहुत पहले से है। अमित शाह को पता है कि इन सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को जोर लगाने की जरूरत है। अमित शाह ने नीतीश कुमार को इशारों में बता दिया कि आपकी जगह बीजेपी के अलावा कहीं अन्य नहीं है, बस आपका इस्तेमाल हो सकता है। अमित शाह ने कहा कि स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकता। तेल हमेशा पानी को मैला कर देता है। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है। ऐसे में अमित शाह ने बिहार में जल्द चुनाव की भविष्यवाणी भी कर दी है। शाह की इस भविष्यवाणी से क्या नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है? बिहार के 243 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 सीटें अनिवार्य हैं। महागठबंधन के पास कुल 160 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी की 79, जेडीयू की 45, कांग्रेस की 19, सीपीआई, मार्क्सवादी, लेनिनवादी की 12, सीपीआई और सीपीआईएम की 2-2 सीटें और एक निर्दलीय विधायक शामिल है। वहीं राज्य में विपक्षी दलों में बीजेपी के पास 78, हम के पास 4 सीटें हैं। विधानसभा के मौजूदा समीकरण को देखें तो नीतीश सरकार के लिए कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये तो कोई नहीं जानता। शाह ने झंझारपुर की रैली में नीतीश कुमार को आगाह कर दिया है और कहा कि तेल और पानी का मिलन संभव नहीं है। नीतीश कुमार जब से बीजेपी से अलग हुए हैं तब से अमित शाह जब भी बिहार की रैलियों में आए हैं
उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मगर शनिवार को पहला ऐसा मौका था जब अमित शाह नीतीश कुमार पर आक्रामक नहीं दिख रहे थे, बल्कि लालू पर ज्यादा आक्रामक रहे। नीतीश कुमार के G20 भोज में शामिल होने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा काफी तेज है कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन में अपनी अनदेखी से नाराज हैं और बीजेपी के साथ वापस आने के रास्ते तलाश रहे हैं। ऐसे में अमित शाह का यह कहना है कि नीतीश लालू की जोड़ी तेल और पानी जैसी है। ये बयान किस ओर इशारा कर रही, अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात का संकेत तो दे दिया है कि कुछ न कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है, जिसकी भनक अभी किसी को कानों कान नहीं है। खैर, ये आने वाले वक्त में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि नीतीश पुराने साथी यानी एनडीए में जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन में ही मजबूती की दीवार बन खड़े रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।